तो छत्तीसगढ़ में सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि एकलव्य विद्यालय में जो है शिक्षक और हॉस्टल वार्डन दोनों भर्ती परीक्षा जो है एक साथ निकल के आ चुका है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 5,660 पदों पर भर्ती होगा, इसके साथ हॉस्टल वार्डन के 670 पदों पर भर्ती होगा और दोनों ही भर्ती परीक्षा, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी भर्ती है। हम बात करें इस वीडियो में शैक्षणिक योग्यता के आयु सीमा के चयन प्रक्रिया के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, आपको इसमें वेतन जो है सैलरी वेतनमान कितना मिलेगा, कंप्लीट डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती और रेगुलर भर्ती जो है निकल कर आ चुका है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें रेगुलर जॉब मिले, सरकारी नौकरी मिले, गवर्नमेंट जॉब्स मिले। तो ऐसे में जो है शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा, दोनों ही भर्ती परीक्षा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती के 5,660 पोस्ट के, तो इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपका स्नातक जो है कंप्लीट होना चाहिए, सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और ये दोनों ही भर्ती परीक्षा इंपॉर्टेंट है। इस दोनों भर्ती परीक्षा में अगर आप एक कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को, एक भर्ती परीक्षा को भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और डेफिनेटली आप जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को फिर क्वालिफाई कर पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाता, उनको सफलता नहीं मिल पाता। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी को बस मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली ये दोनों ही भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा हो, दोनों ही भर्ती परीक्षाएं, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आपसे जो है क्वालिफाई जो है हो पाएगा। और एकलव्य विद्यालय में जो है शिक्षक और हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा पोस्ट है आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए है, तो तैयारी आपको किस तरह से करना, किस तरह से आप मेहनत करेंगे, किस तरह से आप हार्डवर्क करेंगे जिससे कि आपको सफलता मिल पाए, जिससे कि आपको कामयाबी जो है इसमें देखने को मिल पाएगा। मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि तैयारी जितना ज़्यादा हो सके आपको उतना करना है, जितना देखो मेहनत करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप हार्डवर्क करते हैं, तो डेफिनेटली है कि इसमें आपको सफलता है, इसमें जो है कामयाबी आपको जो है अवश्य रूप से ही कि मिल पाएगा। और आने वाला जो टाइम होगा, आने वाला जो समय होगा, वो आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो आने वाले समय को, आने वाले टाइम को बेहतर बनाना है तो आपको अभी मेहनत करना पड़ेगा, आपको अभी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका अभी आप मेहनत, अभी आप हार्डवर्क करोगे, अभी आप स्टडी करोगे, प्रिपरेशंस करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको सक्सेस और उतने ही ज़्यादा कामयाबी और उतने ही ज़्यादा आपको नेम फेम पैसा जो है सभी चीज़ें मिल पाएगा। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जो सफल होना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काम, उसके लिए मेहनत, उसके लिए हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो बीएड और डीएलएड तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और टेट एग्ज़ाम्स, यदि बीएड कंप्लीट है, डीएलएड कंप्लीट है और टेट एग्ज़ाम भी अगर आपने क्वालिफाइड कर लिया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, आप जो है अवश्य रूप से इसके लिए आवेदन करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे, आप जो है डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको अभी तैयारी करना है, इसके लिए आपको अभी मेहनत करना है, और जितना ज़्यादा आप अभी मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप अभी तैयारी करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबी मिल पाएगा। अगर हम बात करें हॉस्टल वार्डन के, तो हॉस्टल वार्डन में जो है 22 आप लोगों के लिए 2022 में वैकेंसीज नहीं आया, तो इस बार 2023 में कम से कम आप लोगों के लिए भर्ती परीक्षा जो है होगी। तो कुल मिलाकर आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट्स होने वाला है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होने वाला है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो मौके को जाने देंगे कि यार सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, हमें कामयाबी मिल पाएगा फिर नहीं मिल पाएगा, लेकिन जब आप लगातार इसके लिए मेहनत करते रहोगे, लगातार आप इसके लिए काम करते रहोगे, हार्डवर्क करते रहोगे, तो डेफिनेट है कि इसमें आपको सफलता, डेफिनेट है कि इसमें आपको कामयाबी मिल पाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचना कि हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा, हमें कामयाबी मिल पाएगा भी या फिर नहीं मिल पाएगा, लेकिन जब आप लगातार इसके लिए कोशिश करते रहोगे, जब लगातार आप इसके लिए मेहनत करते रहोगे, जब लगातार आप इसके लिए हार्डवर्क करते रहो, तब जाके आपको सफलता और ये चीज़ें जो है देखने को मिल पाएगा। क्योंकि सफलता के सपने, कामयाबी के सपने, ड्रीम्स के सपने तो हर एक स्टूडेंट देखते हैं, हर एक स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे सफलता मिले, मुझे कामयाबी मिले, मैं आगे बढ़ पाऊँ, मुझे सफलता मिले, एक अच्छा खासा सैलरी, एक अच्छा खासा पैकेज मिले, लेकिन
सभी के नसीब में और सभी के किस्मत में ये चीज़ें नहीं होता। जो स्टूडेंट जो बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करेंगे, बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा तैयारी करेंगे, बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, उन्हीं का जो है हो पाएगा सिलेक्शन। बाकी स्टूडेंट्स के इसमें जो है किसी भी प्रकार से सफलता या किसी भी प्रकार से उनको कामयाबी नहीं मिलने वाला। तो आपसे यही मैं बोलना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके तैयारी पर फोकस करो, जितना ज़्यादा हो सके काम करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, क्योंकि हार्डवर्क आपका जो है हमेशा जो है होना चाहिए। चाहे आपको सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन काम करना आपको जो है नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितना मेहनत आप करोगे, जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए जो है बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा आपको बेहतर सफलता और उतने ही ज़्यादा आपको बेस्ट कामयाबी आपको जो है मिल पाएगा। और आप ऐसे हर एक स्टूडेंट के सपने साकार हो सकते हैं, आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के ड्रीम जो है पूरे हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो एक दिन आपकी भी किस्मत चमकेगी, एक दिन आपकी भी किस्मत पलटेगा, बस उस किस्मत के लिए और उस दिन के लिए आपको मेहनत करना, उस दिन के लिए आपको काम करना, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे, उतने ही ज़्यादा कामयाबी और उतने ही ज़्यादा सफलता आपको जो है मिल पाएगा। तो असफलता एक चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करो और उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके काम करो और उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल है। मेहनत अच्छे से करोगे तभी आपको कामयाबी मिल पाएगा, वरना किसी भी तरह से आपको कामयाबी इसमें देखने को नहीं मिल पाएगा। आने वाला जो वक्त होगा, आने वाला जो टाइम होगा, आने वाला जो समय होगा, वो आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो आने वाले टाइम या आने वाले समय या आने वाले वक्त को आज से कहीं ज़्यादा आपको बेहतर बनाना है, तो उसके लिए काम करना है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके काम करो, खुद के ऊपर फोकस करो, देन डेफिनेटली सफलता आपको मिल पाएगा। तो आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। तो जल्द ही आप लोगों के लिए शिक्षक के और हॉस्टल वार्डन दोनों ही भर्ती परीक्षाएं जो है एक साथ निकल कर आने वाली है। तो इन दोनों ही भर्ती परीक्षाएं के दिन दोनों ही गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा सफलता और उतने ही ज़्यादा दिन कामयाबी आपको मिल पाएगा। तो यही है कि कोशिश हमेशा करते रहना, मेहनत हमेशा करते रहना है। रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो, मेहनत के बारे में सोचो, काम के बारे में सोचो, हार्डवर्क के बारे में सोचो, क्योंकि हार्डवर्क के बारे में सोचने से, काम के बारे में मेहनत का अच्छे से करोगे तो ही रिज़ल्ट आपका बेहतर हो पाएगा। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो जो है कैसे लगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी स्टूडेंट्स का। थैंक यू।